है hey आज शनिवार और आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने जा रही हूँ समथिंग वेरी एक्साइटिंग मतलब हम लोग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज बुढ़ जाल अब और थोड़ा सा हम लोगों का प्लान है आज काइट बीच का तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या क्या है और एक वीडियो में आप बने रहे साथ में एक मतलब जो मैंने पिछले पांच सालों में दुबई में नहीं देखा ये पहली बार मैंने देखा तो वो एक मतलब एक चीज भी दिखाने वाली हूँ आप तो जरूर बने रहिएगा लास्ट तक सो हम लोग यहाँ पहुंच गए अभी काफी ट्रैफिक था ये देखिए दुबई होल्डिंग का है ये वाली पूरी रोड एंड ऑल मतलब यहां इतने लंबे लंबे नाम है ना रोड के भी किंग ये सब मतलब शेख ये सब सामने आप देख सकते हैं अल अरब सिल और अभी हम पहुंच गए हमने कर दी यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग पार्क करने के बाद जा रहे देखो साइड में जो विलाज है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं और जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना एक मतलब बहुत ही पांच साल में मैंने पहली बार यहाँ देखा था वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ देखो कितना गार्डनिंग वगैरह भी यहाँ पे अब नया नया सीजन आ रहा है ना तो बहुत सुंदर है दुबई ये है सबसे बड़ी बात ये मैंगो ट्री ये बताने वाली थी एक ही पेड़ हमने आज तक यहाँ पे देखा है दुबई में नहीं तो मैंगो के ट्रीज तो हमने नहीं देखे पिछले पांच सालों में छह साल हो गए अब हमें यहाँ पर सो हम चले थोड़े आगे और सीधा आने के चलने के बाद यहाँ पर ये है जोगर ट्रैक मतलब यहाँ पर ये है अगर आप जोगर ट्रैक और ये यहाँ पर अगर आप ये बाइसाइकिल चलाते हो तो कम से कम मिनिमम थ्री हंड्रेड दिरम का फाइन है तो ये वो बोर्ड लगा हुआ था सामने आप देख सकते हो ये बुजलारा वही बिल्डिंग और यहाँ करीब बज रहे थे हम लोग पहुंच गए थे जल्दी हमें जाना चाहिए था थोड़ा लेट मतलब हम छह बजे वहां पहुंच गए थे और इतनी गर्मी थी खतरनाक बीच पर बहुत तेज पर वो कहते हैं ना मेरे पति देव को तो बहुत जल्दी जाने की थी और ये जो करीम बाइक के लिए है ये है करीब ट्वेंटी दिरम पर आवर एक घंटे के लिए ट्वेंटी दिरम का चार्जेस है सो तो आप ले सकते हो एक घंटे के लिए राइड कर सकते हो बाईसाइकिल का मैं बता रही हूँ स्कूटर का मुझे नहीं पता क्योंकि हमने बाईसाइकिल ही राइड किया था और ये हम पहुंच गए बीच पर ये हमने किया अपना सेटअप बैठने का साथ का ये है शाम का व्यू हाँ करीब आधे पौन घंटे के बाद अच्छा मौसम हो गया था फिर बाद में तो ऐसा है ना आने का मौसम मन नहीं करता और बच्चे लोग तो बीच पर बड़ा एंजॉय करते हैं पिका ने खूब खेला शेल वगैरह ये सब इसने तो कैसल बनाया जब जाना है तभी तो कैसल बनाना है सारा सैंड इकट्ठा करके सो so ठीक था काफी गर्मी भी लगी पूरा धूप में सिक गए उस टाइम तो बट मजा आया बाद में फिर आने का मन नहीं करता और उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर खूब इंजॉय किया साथ में मैंने थोड़ी सी वीडियोज बनाई फोटोज लिया मैंने कहा चलो देखते हैं और पिका ने बड़े बड़े स्टोन रख दिए कि ये मम्मा मेरे कैसल रेडी होगा अभी वेट करो तीन चार पत्थर बड़े बड़े रख के ये सब ये तो अपना कैसल बना रहे बीच में किया एक फ्लैग इसने टॉम बना दिया उसका और ये बहुत अच्छा व्यू था धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती है तो उसी बीच के पास आप लोग जाओगे तो बीच का व्यू इवनिंग व्यू बहुत खतरनाक होता है बहुत अच्छा और क्या ना इन दोनों ने भी खूब एंजॉय किया पिका को मतलब हम लोग कपड़े लेके नहीं आए थे हमने सोचा चलो ऐसे ही खेल लेंगे कूद लेंगे बट ठीक है जाना चाहिए बीच में भी और फिर इन दोनों ने ऐसे एंजॉय किया मैंने इनकी वीडियोस बनाई सनसेट देखा और हो गई है अब रात देखो रात में कितना अच्छा व्यू है पीछे से मतलब बुर्जलर अब ग्रीन और ये सब लाइट ये रोड ये रबर ट्रैक का मतलब जोगर ट्रैक है जिस पर चलने के लिए थ्री हंड्रेड का फाइन है और हम पहुंच गए कैसा लगा अब लोग